हेलो हाय, गुड मॉर्निंग। सो मैं आज फिर से क्रोमोसोमल थेरोपिनिटेंस क्यों बोल रहा हूँ कि इसके बहुत इम्पोर्टेंस है आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को समझने के लिए, ठीक है ना। सो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन समझने के लिए आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट भी समझ में आना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट? इंडिपेंडेंट असर्टमेंट जो जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं आप लोग, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता था ना, गेमेट सेपरेट होते थे और वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते थे, है कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। लेकिन क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमको क्या पढ़ना है कि यहाँ देखो, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ये जो कैरेक्टर आता है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स तक, कौन लेके आता है? तो इसी को ढूंढने का कोशिश में सारे साइंटिस्ट लग गए थे। तो मेंडल भी वही काम किए थे। मेंडल के बाद और भी साइंटिस्ट आए, उनके बाद और भी साइंटिस्ट आए। तो हमको देखना है कौन सा साइंटिस्ट कैसे इसको बात को प्रूव करने लगे कि जो चीज़ आ रहा है उसको कौन लेके आ रहा है। समझ में आया चीज़? जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, कैरेक्टर्स को कौन लेके आ रहा है? कोई तो लेके आ रहा होगा, अपने आप तो नहीं आया होगा। तो गेमेट्स के अंदर जो हम जानते हैं कि कुछ जेनेटिक मटेरियल है, जो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं और वही कैरेक्टर्स के वजह से वो सारा कैरेक्टर्स पापा से बेटा तक या बेटी तक आ जाता है ना। उसी चीज़ को समझना है कि क्रोमोजोम जो लेके आता है इसके बारे में कौन पहले बताया था। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा मेंडल के पास जाएंगे और मेंडल क्या क्या काम किए थे, मेंडल क्यों नहीं बता पाए इस चीज़ के बारे में, और मेंडल के बाद कौन कौन लोग आए थे जो इसके बारे में स्टडी किए थे, और फाइनली हम देखेंगे क्रोमोजोमल थ्योरी कौन दिए थे। ठीक है, अभी हम क्या जा रहे हैं, मेंडल के पास जा रहे हैं, मेंडल जो वर्क किए थे उसके बारे में जानने के लिए, वो क्यों फेल हुए थे, इसके बारे में पता क्यों लगा नहीं पाए थे कि क्रोमोजोम के बारे में क्यों मेंडल ने नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो ये इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। सो मेंडल स्टार्टेड हिज वर्क ऑन पी, मटर के ऊपर काम किए थे इन 1856, और इसको पब्लिश कर दिए थे 1865 में। उसको बता दिए थे कि ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो आप लोग पढ़ चुके हो, और ये ऐसे शो करता है, कुछ ड्वार्फ कैरेक्टर दिखाते हैं, कुछ टॉल कैरेक्टर है, कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाते हैं, कुछ रिसेसिव कैरेक्टर भी दिखाते हैं। तो हीज वर्क डिड नॉट रिसीव एनी रिकॉग्निशन। उस समय इतना कम्युनिकेशन गैप था कि उनके बारे में कुछ कुछ लोग पता लगाए, लेकिन बाहर सब वर्ल्ड का जो सारा चीज़, वर्ल्ड की दुनिया पूरा जान नहीं पाया उसके उनके बारे में। सो टिल 1900, 1900 इन द ईयर 1900 तक इनके बारे में सब लोग को पता नहीं चला। सो मेंडल वर्क रिमेंड अन नोटिस्ड एंड अन अप्रिशिएटेड फॉर सेवरल ईयर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कौन सा रीजन था जिसके वजह से मेंडल का वर्क को सारे लोग पहचान नहीं पाए या उनके काम के बारे में जान नहीं पाए? तो सबसे बड़ा बात था जो कम्युनिकेशन है ना। अभी हमारे पास टेलीफोन है, इंटरनेट है, मोबाइल है, सब कुछ है, हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे कंट्री तक, लेकिन उस समय कुछ नहीं था। सो कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज, इज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिशिश, जहाँ उसको पब्लिश करें ताकि उनको पता, उतना कम्युनिकेशन नहीं था। सो लिमिटेड सर्कुलेशन द प्रिसीडिंग्स ऑफ ब्रॉन नेचुरल साइंस सोसाइटी, एक सोसाइटी थी जो उनके बारे में पब्लिश की थी, लेकिन वो सोसाइटी सारे दुनिया भर में उस चीज़ को नहीं पहुंचा पाया। ठीक है, सो इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल ऑन ब्लेंडिंग डिस्क्रीट यूनिट्स और फैक्टर्स फॉर वेरियस ट्रेड्स, मतलब हर कैरेक्टर में दो ट्रेट होता है, मैं आपको बताया था, और हर ट्रेट के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, तो उनके बारे में डिड नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम दी कॉन्टेम्प्ररीज लाइक चार्ल्स डार्विन एंड ए आर वॉलेस एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर दी अपरेंटली कॉन्टिन्यूस वेरिएशन सीन इन नेचर। ये मेंडल के वर्क के बारे में दो लोग जो ज़्यादा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्हीं का बात चलता है, चार्ल्स डार्विन और ए आर वॉलेस के बारे में, उन लोगों को पता नहीं चल पाया इनके बारे में। इसीलिए उन जो वेरिएशन के बारे में जो बताए थे वो लोग थ्योरी, और इनके बारे में वो वहाँ कुछ शो नहीं कर पाए थे, तो इसके वजह से वहाँ पे भी छुप गया इनके काम।
सो हिज अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेना। वो क्या किए थे मेंडल, ये बायोलॉजिकल फेनोमेना को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किए थे, जो कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आता था। ठीक है, वॉज टोटली न्यू, और न्यू था वो, और अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम। उस समय के जो भी बायोलॉजिस्ट थे उनको समझ में भी नहीं आता था और इनको एक्सेप्ट भी नहीं होता था, ये लोग मानते ही नहीं थे ऐसा होता है। सो ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, और मेंडल भी क्या कह रहे, मेंडल एनी फिजिकल प्रूफ भी नहीं दे पाए इसके बारे में, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर और द मेटेरियल दे वर मेड अप। ये जो कैरेक्टर जिस चीज़ से आते हैं, उस चीज़ किस चीज़ से बने हैं, इसका फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, जिसके वजह से इनका काम एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। तो ही कुड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। सो और क्या क्या वजह था, जो नॉन डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम जो डिस्कवर नहीं कर पाए, माइटोसिस मियोसिस एट दैट टाइम मेंडल्स वर्क के टाइम इनके बारे में जिक्र ही नहीं हुआ था, क्रोमोजोम और माइटोसिस मियोसिस के बारे में, तो कैसे वो समझाते, है ना। सो मेंडल डाइड इन 1884, 1884 में वो लोग का देहांत हो गया। सो लॉन्ग बिफोर हिज वर्क, बहुत लंबे समय ऐसे ही पड़ा रहा, वर्क केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, इसका इनके मरने के बाद, बहुत दिनों के बाद 1900 में इनके काम को थोड़ा सा रिसर्च करने लगे कुछ साइंटिस्ट। कौन कौन रिसर्च करने लगे, जो तीन लोग थे, जो ह्यूगो डी व्रीस ऑफ हॉलैंड एंड कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी एंड वॉन टिस्टरमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया, ये तीनों देशों का तीनों साइंटिस्ट इन्हीं के काम को अगेन एनालिसिस करने लगे और रिसर्च करने लगे। जब करने लगे तो इनको बहुत बड़ा चीज़ हाथ में लगा। तो ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, और माइक्रोस्कोप उस समय से बहुत डेवलप हो गया था, तो दैट वर टेकिंग प्लेस साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। साइंटिस्ट लोगों के सेल डिवीजन के बारे में पता चल गया था उन लोगों को, और सेल डिवीजन के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज था। तो दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जानने लगे। दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, हर सेल डिवीजन के बाद ये डबल होता है फिर डिवाइड हो जाता है, इसके बारे में पता लगा है। तो दीज वेयर नेम्ड क्रोमोजोम्स, तो उनको क्या नाम दिया गया, जो न्यूक्लियस के अंदर डबल होते हैं फिर डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको नाम दिया गया क्रोमोजोम। इन बाई 1902 द क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट, क्रोमोजोम में मियोसिस होता है इसके बारे में पता चल गया। इट वॉज फाउंड दैट देयर इज अ स्ट्राइकिंग रिलेशनशिप बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर एंड द क्रोमोजोम, और उस समय ये लोग लिंक कर दिए कि मेंडेलियन फैक्टर जो बोलते थे, जिसको क्रोमोजोम के नाम से अभी जाना गया, और उस दोनों में कुछ लिंक तो है। ठीक है, तो सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं। तो डीएनए सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ इंटरफेज, नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन सेम ड्यूरिंग इंटरफेज, एंड इन मियोसिस ईच पेयर सिनाप्स होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट हो जाता है। तो बाइवेलेंट होने के बाद क्या होता है, क्रोमोजोम अलाइन हो जाते हैं, एक साथ रहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में। जैसे यहाँ देखो, ये है जीवन फेज, जीवन फेज में बाइवेलेंट हो जाते हैं, बाइवेलेंट मतलब ये एक था दो हो गया, ये एक था दो हो गया, ये एक था ये दो हो गया, ये एक था ये दो हो गया, तो बाइवेलेंट स्टेज में आ गया। तो बाइवेलेंट स्टेज आने के बाद क्या होगा, एक साथ इक्विलेटरल प्लेट में इक्वल होके क्या हो गए ना, अरेंज हो गए हैं, है ना। जब अरेंज हो गए हैं, इन द बाइवेलेंट क्रोमोजोम अलाइन ऑन इक्विटोरियल प्लेट इन मेटाफेज वन, तो मेटाफेज वन स्टेज में ये लोग सब रह जाते हैं क्या, एक सीधा में, एक लाइन में रह जाते हैं। जब एनाफेज वन आता है तब क्या होता है ना, होमोलोगस क्रोमोजोम, व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोजोम, इफ द क्रोमोजोम आर लुकिंग अलाइक, इक्वल क्रोमोजोम होंगे तब उसको कहेंगे होमोलोगस, सेम क्रोमोजोम होंगे तब जाके कहेंगे होमोलोगस, अगर डिफरेंट क्रोमोजोम हुए तो उसको कहेंगे नॉन होमोलोगस। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोजोम क्या है ना, यहाँ देखो जो व्हाइट कलर का दो चीज़ें ये होमोलोगस टू ईच अदर, यहाँ देखो ब्लैक कलर का दो है ये लोग भी होमोलोगस टू ईच अदर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो आना फेज वन है ना, इसमें क्या होता है ना, ये जो दो चीज़ था, ये लोग जो थे, ये लोग और ये लोग क्या होते हैं ना, यहीं पे ये एक सेल बना लेता है, ये एक सेल बना लेता है, तो दो पोल की तरह खींच लेते हैं, तो ये क्रोमाटिड ये अलग हो जाता है, ये क्रोमाटिड ये अलग हो जाता है। तो
तो आपको दो सेल मिला, तो वो एनाफेज टू में जब जाते हैं फिर यहाँ से क्या होता है, ऐसे डिवाइड होता है, तो यहाँ से ये इस तरफ एक चला जाता है, ये इस तरफ चला जाता है, तो ये दो देगा, तो ये एक सेल देगा, ये एक सेल देगा, ऐसा ही ये भी एक सेल देगा, है कि नहीं। तो ऐसे हमको कितना सेल मिला, एक दो तीन चार, चार जर्म सेल मिलेगा, और सब लोग क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। हैप्लॉयड क्या होता है ना, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। तो यहाँ सब डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम था, तो यहाँ डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम टोटल मिला देंगे कितना है ना, क्रोमोजोम नंबर फोर, टोटल फोर। तो ये सिंगल सेट कितना हुआ, दो, है ना, है ना। तो यहाँ कितना है, यहाँ भी दो दो है, तो जब निकालेगा जर्म सेल सारा कितना निकलेंगे, एक एक हैप्लॉयड हैप्लॉयड करके निकलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है किस किस का ना, एक दो प्लांट लिया गया है, एक राउंड येलो सीड प्लांट, है ना, राउंड येलो सीड प्लांट का हेटरोजाइगस कंडीशन में लेगो लोगे तो क्या आपको पता चलेगा, देखो राउंड येलो, है ना। तो राउंड के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ टू जीन है, राउंड है, तो इसका रिसेसिव भी रहेगा, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको कहें हेटरोजाइगस कंडीशन। वैसा ही कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है, हेटरोजाइगस कंडीशन। तो इसमें राउंड येलो लिया गया, दोनों ही हेटरोजाइगस कंडीशन में लिया गया, तो राउंड येलो को ये देखो पूरा राउंड, ये राउंड का क्रोमोजोम है डोमिनेंट, ये इसका रिसेसिव, तो ये दोनों साथ में रहेंगे, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों भी साथ में रहेंगे, तो इसको रख दिए, जैसे देखो कैसे रख दिया ना, पॉसिबिलिटी वन में सारे क्या हुआ ना, कैपिटल लिए, कैपिटल कैसे लिए ना, क्रोमोजोम आर विथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक लिया गया, ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों रहे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों साथ में रहे, ऐसे इस एक पॉसिबिलिटी देख लेंगे, फिर दूसरा पॉसिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। इसमें देखो फिर ये क्या हो रहा है, दो पोल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, यहाँ एक पोल, यहाँ एक पोल, ये इसको खींच लेगा इस तरफ, ये इसको खींच लेगा इस तरफ, है ना, तो दो सेल बन गया, है कि नहीं, ये जर्म सेल बना। फिर क्या होगा, फिर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, फिर क्रोमैटिड्स को इस तरफ ले जाएगा इस तरफ, तो दो सेल देगा ये भी दो सेल देगा, तो कितना गैमेट्स मिला ना, यहाँ देखो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ ये कितना गैमेट्स मिलेगा ना, यहाँ गैमेट्स अलग हो गया, तो अच्छे से देखेंगे इसको, ये देखो कैसे अलग होता है, ये जो है ना ये आर था, ये वाई था, तो ये कैसे लिख सकते हैं, आर, ये था, ये भी आर, है ना, दोनों आर था, ये दोनों वाई का क्रोमोजोम है कि नहीं। जब गैमेट्स अलग हो जाएंगे तो कितना देंगे, ये आर, ये वाई, ये भी आर, ये भी वाई, कैपिटल वाई, तो यहाँ क्या था, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो ये अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, आर वाई देगा, ये अलग हो जाएंगे तो ये आर वाई देगा, समझ में आ गया गैमेट्स कैसे फॉर्मेशन है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी देखेंगे क्या, इसमें देखो हेटरोजाइगस कंडीशन में थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसा था, लेकिन यहाँ कैपिटल वाई था इस जगह में स्मॉल वाई आ जाएगा, और यहाँ स्मॉल वाई था इस जगह में कैपिटल वाई आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी चेंजेस हो गया। तो इसमें क्या हो गया ना, देखो गैमेट्स थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो क्या आया देखो गैमेट्स में चेंजेस, जब ये डिवाइड करेगा ये आर के साथ वो स्मॉल वाई, ये आर के साथ स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, क्लियर। तो ऐसे इंडिपेंडेंटली असाइनमेंट किया कि नहीं, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम, कैसे क्रोमोजोम अपने आप जीन के हिसाब से, अपने अपने क्रोमोजोम के हिसाब से अलग हो जाते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली बाय सॉटन एंड बोवेरी, ये सॉटन एंड बोवेरी दो साइंटिस्ट हैं जो क्रोमोजोम के बारे में अच्छे से बताए। द टू वर्कर्स फाउंड ए क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स और बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम्स व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू द एजेंसी ऑफ गैमेट्स, तो गैमेट्स के थ्रू बहुत सारे कैरेक्टर या ट्रेट्स
क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो वो जिस गैमेट्स के अंदर जिस चीज़ लेके जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं क्रोमोजोम इनहेरिट कर रहा है, क्रोमोजोम इनहेरिट हो रहा है किसके थ्रू, गैमेट के थ्रू। सो दैट्स वाई उसके बारे में कुछ थ्योरी बताया गया, दैट्स वाई इट्स नेम इज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हो रहा है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, समझ में आया है। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में नॉलेज वो लोग कुछ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को मिला दिए इसके साथ, और अपना कुछ जो फाइंडिंग्स था उसको मिला के एक थ्योरी देने लगे। तो उसको क्या कहेंगे, क्रोमोजोम के बारे में थ्योरी दे रहे हैं, और क्रोमोजोम क्या कर रहा है यहाँ, इनहेरिट हो रहा है एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन के पास, और किसके थ्रू ना, गैमेट के अंदर रह के जा रहा है। तो इसके बारे में बहुत सारे थ्योरी क्या, एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन वो दिए, थ्योरी दिए सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो क्रोमोजोम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगे जो इनहेरिट करने में हेल्प करता है, या इनहेरिट कैसे हो जाता है। तो उसी थ्योरी को क्या कहने लगे, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आपको मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देखते हैं एक वन बाय वन कैसे वो बताए थे ना। वो बोल रहे थे कि लाइक द हेरिटेटरी ट्रेट्स, जैसे आप मेंडल के बारे में ट्रेट्स बहुत पढ़े थे, तो ऐसा ही क्रोमोजोम भी क्या करता है, अपना नंबर और स्ट्रक्चर पूरा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रखता है। क्रोमोजोम रिटेन देयर नंबर स्ट्रक्चर इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पूरा अपने को अपना आप मेंटेन करके ही रखता है, उसमें कोई गलती नहीं करता है वो। तो द टू नाइदर गेट लॉस्ट और मिक्सडअप, वो कभी मिक्सडअप नहीं होंगे और लॉस भी नहीं होंगे। तो दे बिहेव एज ए यूनिट्स, वो एक जैसा काम करेंगे, सब लोग मिलके एक जैसा काम करेंगे। सो बोथ क्रोमोजोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स इन द सोमैटिक एंड डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल के अंदर, या सोमैटिक सेल क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। सोमैटिक सेल हम आपको बताए थे, दो तरह का सेल होता है बॉडी में, एक होता है सोमैटिक सेल, दूसरा होता है सेक्स सेल और जर्म सेल, है ना। तो सोमैटिक सेल हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट आवर सेक्स ऑर्गन के जो सेक्स सेल है उसको छोड़ के, ठीक है। और सोमैटिक सेल में टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, है? उसको क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। द टू एलील्स ऑफ जीन, हर जीन में कितना एलील होता है, दो एलील, जैसे आप टॉल के बारे में बात कर रहे थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसमें क्या आया, दो एलील आया कि नहीं, हमेशा एलील पेयर में रहता है, और एक जीन को रिप्रेजेंट करेंगे तो एलील के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो लुक एट ऑन होमोलोगस साइड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम, ये भी बात याद रखें, अगर मैं एक क्रोमोजोम बनाया है ना, ये भी एक क्रोमोजोम है, ये दोनों होमोलोगस है। होमोलोगस मतलब क्यों इसको होमोलोगस, ये जैसा दिख रहा है ये भी वैसा ही दिख रहा है, और यहाँ इसका जिस पोजीशन में जो जीन होगा, इसका वही पोजीशन में वही सेम जीन होगा, तब उसको क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोजोम। यहाँ अगर स्मॉल टी है तो यहाँ पे भी स्मॉल टी होगा, ओके। सो इसको कहेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम का जो होमोलोगस है, मतलब जिस जीन इस क्रोमोजोम में जैसे है, इसका होबा हो इस क्रोमोजोम, या सपोज लो क्रोमोजोम ए, ये क्रोमोजोम बी, दोनों सेम कहला, क्रोमोजोम ए एंड बी आर होमोलोगस टू इच अदर, क्लियर। अच्छा तो वही चीज बोल रहा है, बोथ क्रोमोजोम्स एज वेल एज जीन सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट, और एक ही जाता है गैमेट के अंदर। सो गैमेट कंटेंस ओनली वन क्रोमोजोम ऑफ ए टाइप एंड ओनली वन ऑफ टू एलील्स ऑफ ट्रेट, दो एलील से एक एलील लेके जाता है। द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोजोम एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर इज रिस्टोर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होता है, फिर पेयर कंडीशन में कैसे आता है, जब वो फर्टिलाइज करते हैं, हैप्लॉइड मिलके फिर डिप्लॉइड हो जाते हैं, फिर वो रिस्टोर हो जाता है अपना आप, समझ में आया। दस होमोलोगस क्रोमोजोम सिनाप्स ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस में सिनाप्स हो जाते हैं, एंड देन सेपरेट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली इनटू डिफरेंट सेल व्हिच एस्टेब्लिशेस द क्वांटिटेटिव बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर। जब वो मियोसिस करने के बाद सिनाप्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, और फिर उसमें इंडिपेंडेंट असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है मियोसिस टू में, ठीक है। इसी चीज को
वेरिफिकेशन करने के लिए एक साइंटिस्ट ये तो बता दिए थ्योरी में, लेकिन इसको एक्चुअली वेरीफाई किए थे एक साइंटिस्ट, उनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। कौन थे? थॉमस हंट मॉर्गन। वो क्या किए थे, इसी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किए थे कि एक्चुअली में ये सच में बोल रहे हैं, इनका थ्योरी सच है कि गलत है, इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर दिए। और वो एक्सपेरिमेंट किए किसके ऊपर ना, वो प्लांट्स को नहीं लिए, वो प्लांट्स के ऊपर कौन किए थे, मेंडल ने किए थे पी के ऊपर, लेकिन ये इंसेक्ट को लिए, एक फ्रूट फ्लाई के ऊपर किए। तो उस फ्रूट फ्लाई कौन नाम था उसका, ना डोर्सोफिला मेलानो गेस्टर, और इसी को कहते हैं क्या, फ्रूट फ्लाई मतलब जो फल के ऊपर बैठते हैं, छोटे छोटे होते हैं, रेड आइज होते हैं, ठीक है। तो व्हिच आर फाउंड वेरी सुइटेबल फॉर सच स्टडीज, इसको क्यों लिया गया था स्टडी करने के लिए, जैसे मटर को लिया गया था मेंडल ने चूज़ किए थे क्योंकि उसका लाइफ साइकिल बहुत कम है, इसको बार बार इसको मतलब जनरेशन जनरेशन स्टडी कर पाएंगे। लाइक दैट डोर्सोफिला मेलानो क्लस्टर एज मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इसको जेनेटिकल स्टडी करने के लिए इसको चूज़ क्यों किया गया था, क्योंकि ये बहुत छोटा है, 2 मिलीमीटर साइज है इसका, और ये राइप फ्रूट से मिलता है, इजीली आपको मिल जाएगा, है ना, और इसको भी आप ग्रो भी कर सकते हैं, आप इसको खिलाएंगे तो ये तुरंत ग्रो कर जाएगा, शुगर सॉल्यूशन में इसको रख दोगे तो अपने आप ये आके बैठ जाता है शुगर के ऊपर, और लैबोरेटरी में हम इसको आराम से इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या हमको मिल सकता है ये, ठीक है। और इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटे हैं, सपोज ये 2 वीक्स के लिए, एक्चुअली ये 2 वीक्स के लिए जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है। तो आपको जो भी स्टडी करना है आपको इजीली आपको मिल जाएगा नेक्स्ट जनरेशन, तो आपको ज़्यादा दिन भी वेट करने के लिए नहीं पड़ेगा, है ना। तो और क्या था इसका, इसको लेने के लिए और क्या वजह था ना, ये एक ईयर में बहुत सारे जनरेशन आपको पता चला, क्योंकि एक महीने में आपको कितना मिल गया, 2 जनरेशन मिल जाएगा आपको एक महीने में, तो सपोज 12 महीना रखेंगे 24 जनरेशन आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो एक सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, इसको इनका एक बार मेटिंग होता है तो बहुत 100 के आसपास ऑफस्प्रिंग्स बना लेते हैं, और फीमेल्स आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द मेल्स बाय लार्जर बॉडी साइज, इनका मेल और फीमेल आपको पता चल जाएगा, जो छोटे छोटे होते हैं मेल, जो उनका बॉडी बड़ा हो जाए उसका बोलते हैं फीमेल, ठीक है ना। और इसका प्रेजेंस ऑफ ओविपोजिटर, मतलब ये फीमेल के ऊपर एग लाइक स्ट्रक्चर होगा, इससे पता चल जाएगा ये फीमेल है, आप ये आसानी से पता लगा लेंगे, तो इसलिए ये बहुत इजी था। और इनका क्रोमोजोम नंबर कितना है ना, 4 पेयर के हैं, 4 पेयर इक्वल टू 8 क्रोमोजोम, इनका डोर्सोफिला क्रोमोजोम नंबर कितना है, 8, तो इसको 8 क्रोमोजोम में इजी भी होगा स्टडी करने के लिए। इट इज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडरी वेरिएशन, इसके अंदर बहुत तरह तरह का विभिन्नता था, विभिन्नता मतलब डिसिमिलरिटीज और वेरिएशन था, दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप, इसको भी हम लो पावर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते थे। तो इट इज हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 अलग अलग तरह का सेक्स क्रोमोजोम था, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मैं धीरे धीरे आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को पढ़ाने के लिए ये चीज़ों को समझा रहा हूँ, ताकि आपको ईजी हो समझने के लिए, ठीक है। तो इट हैज हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक मतलब डिसिमिलर, नॉट सिमिलर, हैं। तो क्रोमोजोम उनका जो सेक्स क्रोमोजोम, हम जैसा हम लोग का सेक्स क्रोमोजोम क्या है, 2 तरह का सेक्स क्रोमोजोम है हम ह्यूमन मेल में, क्या क्या, बॉय के लिए XY एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम दोनों होता है, लेकिन गर्ल्स में जो क्रोमोजोम होता है वो दोनों ही एक्स होते हैं। लाइक दैट डोर्सोफिला में भी 2 क्रोमोजोम होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम एक होता है एक्स क्रोमोजोम, एक होता है वाई क्रोमोजोम। जब एक्स एक्स रहता है तब उसको क्या कहेंगे, ना फीमेल कहेंगे, और इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लगाएंगे ना, दोनों ऐसे जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया ना, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऐसे ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो बुक में देखोगे कि ऐसे दिया है, सिंपल ऐसे लंबा सा कर दिया है, और यहाँ से ऐसे कर दिया है, यहाँ पे ऐसे कर दिया है ना, तो ये भी स्ट्रक्चर दिया है। और थोड़ा सा वाई वाई का क्रोमोजोम स्ट्रक्चर क्या बना है, ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसे बना सकते हैं, है ना, और इस क्रोमोजोम को हम वर्टिकल रखें, हॉरिजॉन्टल रख देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो गया एक्स क्रोमोजोम, ये हो गया वाई क्रोमोजोम, इसको हम
वाई कह देते हैं और इसको एक्स क्रोमोजोम कह देते हैं। तो बुक्स में आपको ऐसे ही दिया है, आपको कलरफुल कर दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा टेढ़ा मिलेगा, जो वो हो जाएगा आपका वाई क्रोमोजोम, और जो सीधा आपको दिखेगा लिनियरली वह हो जाएगा आपका एक्स क्रोमोजोम। क्लियर? तो आपको दो चीज मिलेगा, एक मेल के लिए एक्स वाई क्रोमोजोम, फीमेल के लिए एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, आपको एनसीईआरटी जब पढ़ोगे समझ में क्यों नहीं आएगा, लिंकेज एंड इंफॉर्मेशन में बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा यहीं पे ध्यान दोगे तो आपको वो वाला, ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला फिगर जो है आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? आपको इसी को समझाने के लिए मैं इतना देर से आपको इस चीज को थोड़ा डीपली आपको बताया। ठीक है, अच्छा, अब मेलानोब्लास्टर का एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन लिए थे ना, थॉमस हंट मॉर्गन इसको एक्सपेरिमेंट करने लगे, और इसको दो, हमको मेल और फीमेल चाहिए क्योंकि मेटिंग कर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे, तो हमको दो ही मेल पेरेंट्स चाहिए, सॉरी दो पेरेंट्स चाहिए, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट का क्रोमोजोम क्या रहेगा, एक्स क्रोमोजोम रहेगा, और फीमेल पेरेंट का क्रोमोजोम एक्स वाई क्रोमोजोम रहेगा। ठीक है ना, तो दो क्रोमोजोम रहता है, डिसिमिलर है। लेकिन अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर ठीक है यहाँ तो क्रोमोजोम है, लेकिन हम जानते थे कि ईच क्रोमोजोम, सपोज ये सेल है, सपोज ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है ना, क्रोमोजोम है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सॉरी, इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे सब क्रोमोजोम है, ऐसे बहुत सारा है। तो इस क्रोमोजोम का, ये जो क्रोमोजोम स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से बनाए, तो क्रोमोजोम अगर आप देखेंगे तो आपको कैसे मिलेगा, सपोज मैं ऐसे बना रहा हूँ क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम आपको ऐसे मिलेगा, क्रोमोजोम इज ए इंटरलिंक, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, और डीएनए को थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसे, ये ऐसे खोल देंगे तो आपको कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इसको डीएनए कहते हैं, है ना। तो डीएनए क्रोमोजोम के अंदर रहता है, और जीन किसे कहते हैं, डीएनए का जो सेगमेंट होता है ना, कुछ कुछ पार्ट्स, इसमें कुछ कुछ पार्ट्स फंक्शन करते हैं, उसको कहते हैं जीन, द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। और जीन में क्या बैठते हैं ना, सारे कैरेक्टर, जो ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन, हर कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होता है वो उसके लिए एक स्पेसिफिक जीन होता है, जिसके वजह से वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है या कैरेक्टर कंट्रोल में रहता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में कितना जीन है ना, 20,000 टाइप्स ऑफ जीन है। ठीक है, तो हर कैरेक्टर के लिए, ईच कैरेक्टर के लिए ईच जीन। तो इसीलिए हम जो ट्रेस पढ़े थे या कैरेक्टर पढ़े थे, जैसे मेंडल में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े थे, वैसा ही ड्रोसोफिला मेलानोब्लास्टर में भी बहुत सारा ट्रेड्स हैं। क्या क्या कैरेक्टर हैं ना, यहाँ देखो, इसका बॉडी कलर और आई कलर और विंग्स, ये तीनों कैरेक्टर है। तीनों कैरेक्टर का क्या होगा, ईच कैरेक्टर में दो ट्रेड्स होते हैं, है ना, तो एक रिसेसिव ट्रेड और एक डोमिनेंट ट्रेड। तो लाइक दैट बॉडी कलर के लिए दो ट्रेड है, एक ब्राउन बॉडी होगा और ये नहीं तो येलो बॉडी होगा। ठीक है, इसमें डोमिनेंट कौन है, ब्राउन बॉडी, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक लेटर से वाई प्लस, क्या दिया जाता है, वाई प्लस ब्राउन बॉडी के लिए, येलो बॉडी के लिए सिंपल वाई लिख देते हैं। तो ये आपको जो यहाँ मिल रहा है वाई प्लस, यहाँ है ना वाई प्लस, आपको दिख रहा है वाई प्लस, तो ये वाई प्लस का मतलब क्या होता है, ब्राउन बॉडी, है ना। और सिंपल वाई का मतलब, आपको यहाँ सिंपल वाई दिख रहा है तो इसका मतलब येलो बॉडी जीन, है ना। लेकिन रिसेसिव है, जब रिसेसिव होमोजाइगस होंगे तभी जाके वो एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और जो डोमिनेंट होगा वो एक ही रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, है ना। तो यहाँ डोमिनेंट क्या है, वाई प्लस जहाँ है वो क्या करेगा, उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फीमेल बॉडी में अगर वाई प्लस है तो वाई प्लस का कैरेक्टर वो शो करेगा ना, ब्राउन बॉडी दिखाएगा। अगर मेल बॉडी में ये वो स्मॉल वाई रह गए ऐसे दोनों होमोजाइगस, तो ये भी कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो जो कैरेक्टर जैसे रहेंगे वैसे ही वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, लाइक मेंडेलियन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो वैसे ही हम बता देते हैं
कि तीन कैरेक्टर हैं ड्रोसोफिला में, एक बॉडी कलर के लिए ब्राउन बॉडी, उसको वाई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, येलो बॉडी के लिए स्मॉल वाई से या सिंपल वाई, स्मॉल सिंपल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे आई कलर के लिए रेड आई जो होगा वो डब्ल्यू प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो व्हाइट आई होगा उसको सिंपल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। विंग्स के लिए, विंग्स एक करेक्टर है, उसका विंग्स एक उसको बोलते हैं नॉर्मल और उसको बोलते हैं विंग्ड, आपको बुक से मिलेगा विंग्ड। विंग्ड मतलब एम प्लस लिखा जाएगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और मिनिएचर वो नॉर्मल है, रिसेसिव है, वो स्मॉल एम लिखा जाएगा। क्लियर? तो आपको यहाँ समझना है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, मैं इसको कैरेक्टर आपको बता दिया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपको लिंकेज क्या है और रिकॉम्बिनेशन क्या है इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू।